बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5 का मिससेलियस देखेंगे, ठीक है? तो ये देखो लीनियर इनिक्वेशन का चैप्टर है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से 5.1 पढ़ा, बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए पहले जो एनसीईआरटी था उसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर्स थे, ठीक है? तो ये आपका अपडेटेड न्यू एनसीईआरटी है 2024 का, बट इनफ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सोल्व द इन इक्वालिटीज़ फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 6, मतलब 1 से 6 तक अभी आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सोल्व करना है। अब ये किस डोमेन में सोल्व करना है, तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली इसको आपको रियल प्लेन में सोल्व करना है। दैट मीन्स कि जो आंसर आएगा वो इंटरवल में आएगा, ठीक है? तो इंटरवल में आंसर निकालने आपको आता है, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, वन बाय वन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपको गिवेन है, कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे जैसे हमको दो पोर्शन गिवेन है, हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या है गिवेन, गिवेन है कि 2 जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 3x-4 है, ठीक है? एक तो ये है, और दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि 3x-4 क्या है, ये आपका लेस देन इक्वल टू 5 है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है। अगर हम लोग देखें तो ये आधा पोर्शन है कि ये जो 3x-4 है ये क्या है, ये 2 से ग्रेटर है, ठीक है? और दूसरा पोर्शन फिर ये है कि जो 3x-4 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो पहले मैंने ये पहला पोर्शन लिखा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x-4, फिर मैंने दूसरा पोर्शन लिखा 3x-4 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब दोनों से आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो पहले वाले को सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो 4 को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 3x, ठीक है? या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3x greater than equal to 6, ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक है? और यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x greater than equal to 2। अब ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि हम 3 से डिवाइड किए हैं दोनों तरफ, तो आपका इन इक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, ये सब हमारी पुरानी बातें हैं, ठीक है? चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 4+5 9 हो जाएगा, और यहाँ से बोल सकते हैं क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 9/3, दैट मीन्स 3, ठीक है? तो दो चीज़ें मिली, एक तो ये कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और दूसरा आपका x लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अगर हमें इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं, ठीक है? हेंस ऐसे लिखेंगे हम लोग, हेंस 1 and 2 इम्प्लाइज, एक और दो दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका कि x इज लाइंग बिटवीन 2 to 3, ठीक है? देखो इसको ऐसे लिखेंगे मोहब्बत से, हाँ, कि x जो है वो 2 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड x आपका 3 से स्मॉलर है, सो x इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब आपको ये देखना है कि वो किसके बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है जी? 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है, तो दोनों को ज्वाइंट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इंटरवल वाइज लिखा जाए तो क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन सेट जो है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो आपका होगा इंटरवल में 2 से लेकर के 3 तक, क्लोज इंटरवल, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है। एक तरीका तो ये है, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप इसको लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है? आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हो गया एक रियल लाइन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आपका जो वैल्यू है उसको आप पुटअप करो, एक जैसे 2 है और एक 3 है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, ओके? तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि हमको क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि आप इसको ऐसे बोलोगे कि x को हमको या तो 2 लेना है या तो 2 से ज्यादा लेना है, यानी इधर जाएगा ये, ठीक है, इस तरफ, ओके, हो गया। अच्छा फिर दूसरा पोर्शन लेके आइए, दूसरा पोर्शन आपको बोलता है कि आपको x 3 से स्मॉलर लेना है, यानी 3 लेना है या उससे छोटा लेना है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसे बोलेंगे कि हमको या तो 3 लेना है या तो 3 से लेना है स्मॉलर, यानी इस तरफ का पोर्शन, ठीक है, ये हो गया। अब जो दोनों में कॉमन पोर्शन है उसको आप मैच कीजिए, तो दोनों में डेफिनेटली कॉमन कौन सा होगा, तो नो डाउट कॉमन होगा आपका ये 2 से 3 के बीच का पार्ट, ठीक है, जिसमें 2 को भी लेना है 3 को भी लेना है। सो आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3। तो ऐसे आप लिख सकते हो देख करके ही, या तो आप लाइन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी आप बनाइए, बहुत मोहब्बत से बनेगा, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया, अब आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो कैसे बनाना है इसको। इसमें भी हमारा 2 पोर्शन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2 नंबर, गिवन क्या क्या गिवन है, तो मैं बोलूंगा कि ये है कि 6 इज लेस देन इक्वल टू -3 2x-4, ऐसा है, ठीक है,
और अच्छा पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, फिर एंड कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड एंड क्या हो जाएगा कि जो माइनस थ्री है मेरा, टू एक्स माइनस फोर, ये क्या है, ये लेस देन ट्वेल्व है, ठीक है। तो ये दो हमको यहाँ से मिल रहा है, एक तो ये पोर्शन मेरे को मिल रहा है और एक मेरे को ये पोर्शन मिल रहा है, दो इनइक्वालिटी यहाँ पे है। अब दोनों को सोल्व करना है, ठीक है, इसको हम वन कह सकते हैं, इसको हम टू कह सकते हैं, ऐसे करके भी, ठीक है। अब चलिए वन इम्प्लाइज कीजिए, क्या आएगा, वन इम्प्लाइज, तो वन इम्प्लाइज हम लोग ये देखेंगे कि इसको सोल्व करना है ना, तो माइनस थ्री से पहले चलो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हो एक निगेटिव नंबर से, और जैसे ही हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। सो वन इम्प्लाइज वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, माइनस टू बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, बात समझिएगा, ठीक है। हम लोग डिवाइड किए तो ये माइनस टू बन गया और साइन चेंज कर गया, ठीक है जी। अब यहाँ से आपका आ जाएगा, फोर को इधर ले आइएगा, तो टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स, सो फाइनली क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू वन, ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन थ्री, बस समझ में आ रही है। तो वन से मेरा ये आ गया, ओके। अब यहाँ से मैं टू से क्या लेके आ सकता हूँ, ये भी देखो आप, ठीक है। तो टू इम्प्लाइज मैं इधर लिख रहा हूँ, टू इम्प्लाइज, दो से क्या आएगा, तो दो से ध्यान दीजिए, ये आपका दो है, यहाँ पे अगर मैं माइनस थ्री से डिवाइड करता हूँ अगेन, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है, मतलब थ्री फोर या ट्वेल्व, बट आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस थ्री से, निगेटिव नंबर से, इसलिए जो बीच का साइन है वो बदल जाएगा, तो बदल गया डेफिनेटली, ठीक है, पहले वो था ये हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा टू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, फोर माइनस फोर जीरो, सो फाइनली एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब देखो ये हमारा आया है, ये मेरा फोर आया, ये मेरा थ्री, अब थ्री और फोर को मिलाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हेंस बाई थ्री एंड फोर, तीन और फोर को हम एक जगह जमा करें, तो क्या बोल रहा है कि x जीरो से ग्रेटर है और वन से स्मॉलर है, यानी कि हम लिख सकते हैं जीरो इज स्मॉलर देन x, सॉरी यस, जीरो इज स्मॉलर देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब प्यार से बस मिला देना है, ठीक है, कि जीरो x से छोटा है और x जो है वन से छोटा है, जबकि यहाँ पे इक्वालिटी भी है, तो जैसा जहाँ पे साइन है एग्जैक्टली वैसा ही साइन लेकर के दोनों को मर्ज कर देंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट ये हमारा आ जाएगा इंटरवल में, जीरो पे ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और वन पे क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। देखिए कितना मोहब्बत से बन रहा है ना, एकदम प्यार से बनाना है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ नया चीज़ नहीं है, आपको एकदम आराम से करना है और आपके लाइफ टाइम ये यूज में आएगा, मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आराम से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमारे पास थ्री को थ्री है, फोर है, दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग पहले एकदम आराम से सोल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नंबर को खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपने बना लिया होगा, कैसे किया आप लोगों ने, यहाँ भी देखो दो पोर्शन है, हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे गिवन, क्या गिवन है, एक तो है माइनस थ्री इज स्मॉलर देन फोर माइनस सेवन एक्स बाई टू, एक ये है, ठीक है। तो डायरेक्ट यही से चलो पहले काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेवन एक्स बाई टू इज लेस देन इक्वल टू फोर प्लस थ्री यानी सेवन, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सारा पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो आपका हो जाएगा सेवन एक्स लेस देन फोर्टीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मेरा जो एक्स है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू सेवन टू या फोर्टीन, तो ये मेरा बन गया इक्वेशन वन, ठीक है। एंड अब जो दूसरा पोर्शन है उसको लीजिए, तो दूसरा पोर्शन देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, फोर माइनस सेवन एक्स बाई टू इज लेस देन इक्वल टू एटीन, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका माइनस सेवन एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू एटीन माइनस फोर यानी फोर्टीन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा थोड़ा सा इसको और अच्छे से करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, इट इज दिस इम्प्लाइज माइनस सेवन एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी एट, टू को क्रॉस कर दिए, पॉजिटिव वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से फाइनली x क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी एट बाई माइनस सेवन, ध्यान दीजिए क्योंकि आप माइनस सेवन को जैसे ही डिवाइड करेंगे, एक निगेटिव वैल्यू से आप काम कर रहे हैं, तो आपका साइन चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है जी। अब आपका देखो ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू, अब दोनों को आप मर्ज कीजिए, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखिए, तो कंबाइन क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा है ना कि ऊपर में बोल रहा है कि x क्या है, दो से स्मॉलर है, और यहाँ पे बोल रहा है माइनस फोर से ग्रेटर है, तो बाई वन एंड टू मैं क्या लिखूंगा, बाई वन एंड टू, ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, मतलब x जो है वो माइनस फोर से बड़ा है और दो से छोटा है, तो जो सोल्यूशन सेट है वो बहुत ईजिली आप लिख पाएंगे। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल में आएगा
माइनस फोर और टू आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो काफ़ी आसानी से देखो आपका आंसर आ रहा है और इसी तरीके से लाना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, अब आप बंदाज बनाते जाइए। ठीक है, आप कुछ आप खुद से भी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं आगे इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमारे पास में दो पोर्शन है। ठीक है, एक हम पहले ये पोर्शन को उठाएंगे, ये वाला इनइक्वालिटी को। ठीक है जी, और उसके बाद हम फिर इस तरफ का उठाएंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या गिवेन, क्या गिवेन है, माइनस फिफ्टीन इज लेस देन थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई फाइव। ठीक है, अब इसको हम लोग देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेवेंटी फाइव। ठीक है जी, लेस देन थ्री ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, अब थ्री से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, 25 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस टू। ठीक है, अब 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 25 प्लस 2 यानी माइनस 23 इज लेस देन x। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। ओके, एंड अगर मैं सेकंड पार्ट को लूंगा तो ये है हमारा क्या, 3 ऑफ x माइनस टू डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप क्रॉस करोगे तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो आपको बच रहा है क्या, 3 ऑफ x माइनस टू इज लेस देन 0। थ्री से डिवाइड करेंगे तब भी आपका x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0 बचेगा, और फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए और कंबाइन कीजिए दोनों को, तो हम लिखेंगे क्या, हेंस बाई 1 एंड 2, एक और 2 से क्या आ जाएगा कि मेरा माइनस 23 से 2 के बीच में है। ठीक है, माइनस 23 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो दोनों आपका मिल गया। तो अगर आप सोल्यूशन सेट इसका देखोगे, सोल्यूशन सेट, तो बहुत ईजिली लिख पाएंगे क्या, माइनस 23 पे देखो आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, और 2 पे मेरा क्या है, क्लोज इंटरवल, तो माइनस 23 से 2 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल देखो बिंदास बनाना है, बनाते चले जाइए, अब आपका सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल खुद से बनाओ, देखो कैसे बन रहा है आपका। यहाँ पे अगर मैं गिवन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा जी, माइनस 12 इज लेस देन 4 माइनस, अच्छा ये लिखा है क्या, 4 माइनस 3 एक्स बाई माइनस 5 लिखा है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, सिंपली 4 प्लस 3 एक्स बाई 5 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे 4 को उधर कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 16 इज लेस देन 3 एक्स बाई 5। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मैं 5 को क्रॉस कर दूँ तो माइनस 80 हो जाएगा इज लेस देन 3 एक्स, और यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइनली क्या, कि x इज ग्रेटर देन माइनस 80 बाई 3, यही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये हमारा हो गया इक्वेशन वन। अच्छा, फिर क्या है, एंड, और अगर हम लोग देखें तो फिर क्या हम लेंगे, जो दूसरा पोर्शन होगा वो होगा 4 प्लस 3 एक्स बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये होगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 एक्स बाई 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 3 एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 10, तो आपका यहाँ से जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 10 बाई 3। ठीक है, तो ऊपर पे देखो इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, इन दोनों को मिला करके हम लिखें तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो काफ़ी ईजिली बन जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 हमारा आ जा रहा है माइनस 80 बाई 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 10 बाई 3। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा, इधर ओपन इंटरवल है माइनस 80 बाई 3 पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, ऐसे, और माइनस 10 बाई 3 ये हमारा क्लोज इंटरवल है, तो इस पर आप ऐसे लगा दो। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को, आपको पता है तरीका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है, तो आपको पता है कि बहुत इजीली बनेगा ना, कुछ है नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और बहुत मोहब्बत से आप बना लोगे। इसी तरीके से देखो 6 नंबर है, 6 नंबर को ट्राई करो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो 6 नंबर को देखें हम लोग, तो यहाँ पे अब थोड़ा फास्ट आप कर सकते हैं, आप 2 को क्रॉस कर लीजिए तो ये आपका सिंपली ऐसे हो जाएगा, 40 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू 22। तो मैंने एक ही बार में 2 को दोनों तरफ क्रॉस कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू है तो कदम फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 11 को यहाँ माइनस करोगे तो इधर हो जाएगा 3, सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x, और इधर 11 माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो हम एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है,
सिंपल वैल्यू है, आसानी से काम हो जाएगा। अब ये थ्री को हटाइएगा एक्स से तो डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 11 बाई थ्री। तो देखो ये एक ही बार में आंसर आ गया और आप इसको इस सॉल्यूशन सेट को आप एक ही बार में लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका स्पीड भी पैदा होने लगेगा, क्या आ गया 1 से लेकर के 11 बाई 13 दोनों में आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। देखने कितना जल्दी बन रहा है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना होता है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरह का, बस आपको क्या बोल दिया है, आपको बोल दिया है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आप ग्राफिकली दिखाइए कि ग्राफ के हिसाब से कौन सा आंसर होगा, ठीक है जी। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे ये है कि 5x प्लस 1 ये है और ये दोनों को मिला के निकालना होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो क्या है, आपको गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 24, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5x इज ग्रेटर देन माइनस 25, ओके। और यहाँ से हम लोगों का x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया वन नंबर। अच्छा एंड दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है मेरे को 5x माइनस 1 इज लेस देन 24, ये सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x इज लेस देन 25 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन 5, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को दोनों को यूज करके ग्राफ लेना है, तो ग्राफ कैसे लेंगे, ठीक है, एक आप लाइन ले लीजिए इस तरह का, ठीक है। ये ले लिए लाइन हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। दो फिगर है माइनस 5 और 5, तो माइनस 5 पहले लिखेंगे फिर 5 लिख लीजिए, ठीक है जी। अब आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी आप दे सकते हो कि माइनस 5 फिर माइनस 4, ठीक है, ऐसे आप दे सकते हैं, फिर माइनस 3 या कहीं पे 0 आएगा, तो कुछ वैल्यू दिखा दीजिए, सबको दिखाने का जरूरत नहीं है, ओके। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप सारा पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप माइनस 5 यहाँ पे ले लिए तो फिर आप बोलोगे ये माइनस 4 होगा, ये माइनस 3 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 होगा और यहीं पे कहीं पे 5 होगा, इस तरह का, ठीक है। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है पहला ये बोल रहा है कि x क्या है, माइनस 5 से छोटा है, माइनस 5 से छोटा है, तो माइनस 5 से छोटा ये हो गया तुम्हारा माइनस 5। अच्छा इक्वल टू नहीं है तो वहां पे हमको ओपन करना पड़ेगा, ये कर दिया ओपन, ठीक है। और इससे छोटा तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा, ये सारा वैल्यू आ गया, ठीक है, आपका पहले वाली इक्वेशन से, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा बोलता है कि एक्स क्या है, 5 से छोटा है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 था ना, माफ कीजिएगा, ठीक है। एक्स क्या था जी, ग्रेटर देन माइनस 5 था, ठीक है। तो उसको चलो ठीक कर लेते हैं ये, चलो ठीक है। तो एक्स मेरा क्या था, ग्रेटर देन माइनस 5 था, तो माइनस 5 या उससे बड़ा, तो इधर का पोर्शन लेना होगा मेरे को, ठीक है, इधर का पूरा पोर्शन लेना पड़ेगा, माइनस 5 या तो उससे बड़ा, ये आ जाएगा, ठीक है, पहला वाला। दूसरा है आपका 5 से छोटा, 5 से स्मॉलर, और 5 के इक्वल नहीं है तो 5 से स्मॉलर करेंगे, तो देखो ये हो गया मेरा 5 पर छोड़ना पड़ेगा, 5 को छोड़ दिया और 5 से स्मॉलर, तो ये सारा आपको वैल्यू आ जाएगा इधर वाला, ठीक है। मैंने दोनों का दिखा दिया, इक्वेशन 1 का मैंने ब्लैक से दिखाया है और इक्वेशन 2 का मैंने दिखाया है रेड से। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो एक्चुअली मेरा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट को आप थोड़ा पेंसिल से थोड़ा और ये कर देंगे, इस तरह के कर दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो आपको ये लाइन से आपको पता चल रहा है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा इसको मोटा कर दीजिएगा, माइनस 5 से लेकर 5 तक, तो ही आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, वो है माइनस 5 से लेकर के 5 तक, और वो इस इंटरवल से हमको नजर आ रहा है, इस लाइन से, क्लियर है। तो इसी तरह करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर 8 नंबर को ट्राई करो, ठीक है। 8 नंबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिवन यहीं पे है, यहीं से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये है मेरा 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा और अच्छे से करूँगा तो हो जाएगा ये x इधर आ जाएगा, तो x इज लेस देन 7, ये 1 बन गया, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला आपका यहाँ पे है 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ग्रेटर देन 2 माइनस 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4x, x को इधर ले आए, और 2 माइनस 6 माइनस 4, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, x इज ग्रेटर देन माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, माइनस 1 से बड़ा लेना है और 7 से आपको क्या लेना है, स्मॉलर लेना है, ठीक है। तो फिर से आप डालिए, एक लाइन आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये हो गया मेरा लाइन, ठीक है, इस तरह से डाल दीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, एक तो वो माइनस 1 है तो माइनस 1 यहाँ पे ले लिए, ठीक है, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये तो चलता ही चलेगा।
अब क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है सेवन या उससे स्मॉलर, ठीक है, सेवन को ओपन करना है, तो सेवन को चलो ओपन कर दिया, ये हो गया ओपन सेवन को छोड़ के, और उससे स्मॉलर, तो उससे सारे छोटे वैल्यू हो जाएंगे इधर वाले, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको बोल रहा है माइनस वन से ग्रेटर, तो माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया, इसको छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे क्लोज नहीं है, तो माइनस वन को छोड़ के और उससे सारे ग्रेटर वाले, ठीक है, तो इधर आ गए। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो आपको लेना है, तो कॉमन पार्ट डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन से लेकर के सेवन तक का पार्ट, ठीक है। इसको आप सोल्यूशन सेट में ऐसे दिखा देंगे, जो सोल्यूशन मेरे को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है माइनस वन से सेवन तक दोनों पे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बहुत आसानी से बनेगा, देख रहे हैं ना, सिंपली मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा टाइप का है, कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप पहले खुद से ट्राई करो, मेरा मत देखना, वीडियो पॉज करो और बना करके देख लो कैसे आपने किया है। तो 3x माइनस सेवन है, ठीक है, ग्रेटर देन है क्या 2x माइनस 12, x को एक तरफ कर दीजिए तो इधर x आ जाएगा, और 7 को इधर ले आएंगे तो 7 माइनस 12 माइनस 5, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ओके। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा यहाँ पे 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ठीक है, 2x को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 6, यानी हमारा क्या हो जा रहा है, x इज ग्रेटर देन 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 को मिला दूं तो बाई 1 एंड 2, 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा कि माइनस 5 से मेरे को 5 तक लेना है, यही ना सिंपल है, कि माइनस 5 से ग्रेटर है x और 5 से स्मॉलर है। अब आप सिंपली यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, जो सोल्यूशन सेट है मेरा, सोल्यूशन सेट वो क्या है, वो है मेरा माइनस 5 से 5, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो हमको बस यही दिखाना है, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो बहुत शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हो कि भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है, और एंट्रीज को डाल देंगे, क्या क्या एंट्री है, तो माइनस 5 है तो फिर माइनस 4 होगा, माइनस 3 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा, 0 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता चलेगा, ओके। अब यहाँ पे आपको अगर आंसर दिखाना है तो आप ऐसे मोहब्बत से कर दो कि मेरे को छोड़ना है माइनस 5 को भी और 5 को भी छोड़ना है, और इन दोनों के बीच का सारा वैल्यू ले लेना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एक ही बार में पेंसिल से ऐसे कलर कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, तो मैं क्या पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको शॉर्ट तरीका ही बताता हूँ। तो अब आप सारे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, जो क्वेश्चन ऊपर भी था ना उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। आपको जो क्वेश्चन दिया है जैसे आप पहले कर रहे थे, सोल्यूशन सेट निकाल लीजिए और माइनस 5 से 5 तक दिखाना है तो ऐसे दिखा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो भाई बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आपका ये 10 नंबर है, 10 नंबर को पहले खुद से ट्राई करो। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये पूरा लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस 35 माइनस 6x और माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, 35 और 9 तो ये आपका हो जाएगा 44 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको आप प्यार से लिखेंगे, मोहब्बत से, 4x इज लेस देन इक्वल टू 44, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 11, दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गया। एंड अब दूसरा पोर्शन देखो, ये क्या है, ये आपका है 2x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 19 माइनस 47 इज लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 47 माइनस 19 यानी 28, ठीक है जी, 28 आ गया माइनस में, और लेस देन इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे जो मोहब्बत से आपका x है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 28 बाई 4 यानी माइनस 7, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 है और लेस देन 11 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा कि माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 11, दोनों को मिला के लिख दिए, ठीक है। जो सॉल्यूशन सेट है हमारा, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया माइनस 7 पे भी क्लोज लगाना है और 11 पे भी क्लोज लगाना है, ठीक है, ये दो। अब ये ध्यान दो, ये आपका क्लोज्ड है ना, तो क्लोज वाला कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो आपको इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप एक नंबर लाइन ऐसे डाल दीजिए मोहब्बत से, ठीक है, ये डाल दिया हम लोगों ने, ओके।
अब यहाँ पे देखो माइनस सेवन पहले डालना है, तो माइनस सेवन आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, माइनस सेवन ऐसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस सिक्स होगा, ऐसे करके आप कर सकते हो कि भाई ऐसे करके आपका फिर जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, समवेयर यहाँ पे इलेवन होगा। तो सबको दिखाने का जरूरत नहीं है, हमारा मेन फोकस माइनस सेवन और इलेवन पे होगा। तो अब क्या बोलता है कि माइनस सेवन और इलेवन के बीच का लेना है ना, तो आपको क्या करना है, माइनस सेवन लेना है और इसको क्लोज कर देना है, जो कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। इलेवन लेना है, इसको भी क्लोज कर देना है, ठीक है, और दोनों के बीच में मोहब्बत से आपको क्या कर देना है, इस तरह से आपको थोड़ा सा कलर कर देना है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट एंड इट इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसानी से देखो ऐसा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है हम लोगों का, कहता है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो उसको जो उसका जो टेम्परेचर देखा गया है वो है 68 डिग्री फारेनहाइट से 77 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है वो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रीडिंग आपका फारेनहाइट में है। बोलता है कि व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में क्या रेंज होगा, अगर फारेनहाइट में ये दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। और आपको फारेनहाइट से डिग्री का फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में जो रिलेशन होता है वो आपको दिया हुआ है, यही रिलेशन होता है, आप अच्छे से जानते हो, आपने भी इसको याद किया होगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि गिवेन, क्या गिवेन है, गिवेन ये है कि जो टेम्परेचर है ना वो आपका क्या है, वो है हमारा 68 डिग्री टू 77 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 68 डिग्री से लेकर के जो फारेनहाइट टेम्परेचर है वो मेरा 77 डिग्री तक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फारेनहाइट का वैल्यू डाल दीजिए ये वाला, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 68 डिग्री लेस देन इक्वल टू, ये डाल देंगे तो हो जाएगा 9 बाई 5 सी प्लस 32, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 77 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि 32 जो है वो इधर भी माइनस कीजिए उधर भी माइनस कर दीजिए, तो एक साथ का आपका काम होगा, तो 68 और माइनस ये 32 डिग्री क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 68 माइनस 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9 बाई 5 सी, इधर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 77 माइनस 32 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और आपका 3, 36 डिग्री हो गया, लेस देन इक्वल टू 9 बाई 5 सी, लेस देन इक्वल टू फिर यहाँ पे आपका हो जा रहा है 5 एंड 4, 45 डिग्री, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आप क्या कीजिए कि नीचे जो 5 है ना उसे क्रॉस कर दीजिए, जब क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9 सी और इधर हो जाएगा मेरा 225 डिग्री, ठीक है, ये होगा सिंपली। अब सी निकालने के लिए मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री, यहाँ पे आपका सी बचेगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 टू जा 18 और 9 जा 95 जा 45, ठीक है, तो 25 डिग्री आएगा 25। तो देखो जो सेंटीग्रेड में जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ही आपको पूछ रहा था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो बिलोंग्स करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे ना, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है, ठीक है। अच्छा इक्वल है कि नहीं ये तो कुछ लिखा नहीं था, अच्छा बिटवीन लिखा था ना, तो बिटवीन लिखा था तो इक्वल नहीं लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना कि इक्वल मत लीजिएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ ले लीजिएगा लेस देन, ठीक है, क्योंकि बिटवीन लिखा है इसके इसके बीच में रखना है ना, तो टेम्परेचर हमारा फारेनहाइट में इसके इसके बीच में रखना है, तो इक्वल नहीं लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो इक्वल टू हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है, इस तरह से हटा दीजिए इक्वल टू हर जगह, ठीक है। चलो तो ये आपका ये आ गया, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सी आया है वो कह सकते हो कि बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में जो आंसर होगा ना वो 20 डिग्री से 25 डिग्री होगा, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों को बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, आपको ये गिवन था और आपको वहाँ पे फॉर्मूला डाल करके सोल्व करना है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बोलता है कि एक सॉल्यूशन है 8%, ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिंग एसिड, ठीक है, सॉल्यूशन टू इट, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8 लीटर सॉल्यूशन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2 लीटर सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो देखो
एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कह सकते हैं यहाँ पे, बट सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये बोल रहा है ना कि मेरे पास में जो है 640 लीटर है, ठीक है, 8% सॉल्यूशन का, ओके। बोलता है इसमें हम कितना 2% सॉल्यूशन को मिला दें कि जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर हो वो क्या हो जाए, वो हो जाए मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे सपोज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से सपोज कर लीजिए जो आपको डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ 2%। तो मान लेते हैं कि हमको एक्स चाहिए, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए कि लेट दी 2% बोरिक सॉल्यूशन बी एक्स लीटर। मान लेते हैं कि हमको जो 2% वाला चाहिए वो कितना चाहिए, वो चाहिए हमको एक्स लीटर, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, ऐसा अगर मान लेंगे तो फिर मिक्सचर कितना हो जाएगा, देयरफॉर आपका जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें टोटल कितना लीटर आ जाएगा, तो पहले से देखो 640 है और इसमें एक्स मिल गया, तो आपका आ जाएगा 640 प्लस एक्स लीटर हो जाएगा, ये टोटल मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, लीटर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जो भी आपने बनाया है, आपने क्या बनाया है, 2% एक्स और जो है 8% 640, ये जो आपने बनाया है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2% ऑफ एक्स प्लस क्या है, प्लस है 8% ऑफ 640, ठीक है। ये जो मेरा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये क्या है, ये मोर देन 4%, यानी ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, 4%, जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है, तो 4% कितना है, 640 प्लस एक्स का, ठीक है, तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और फिर ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6%, तो 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर यानी 640 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है। हाँ, तो कुछ करना नहीं है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना, यहाँ से हमारा आंसर जो है मोहब्बत से आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलो इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोर देन और लेस देन है तो इक्वल टू लगाना बेटर नहीं रहेगा, हर जगह इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू मत लगाइए, ठीक है, सिर्फ लेस देन और मोर देन लिखा हुआ है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। अब चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4% इसका कितना हो जाएगा, तो 640 × 4/100 ऐसे हो जाएगा, ओ सॉरी 640 प्लस एक्स है ना, क्या है 640 प्लस एक्स और इसका 4% यानी इसका 4/100 ऐसा कर देंगे, ठीक है, लेस देन, यहाँ पे 2% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/100, ठीक है, और 8% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 640/100, ठीक है जी, ये हो गया, और इधर मेरा हो गया 6%, दैट मीन्स 6/100 × 640 + x ऐसा, ठीक है। अब हमको सिंपली देखो, यहाँ से x निकालना है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आराम से निकल जाएगा, एकदम आराम से काम करना। देखिए, अब देखो हर जगह 100 है नीचे में, ठीक है, यहाँ भी एलसीएम में 100 आएगा, तो हम 100 को हटा देते हैं मोहब्बत से, तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा। अच्छा, और अभी अच्छे से कर लेते हैं, देखो ना बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है, जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, लेस देन, यहाँ पे देखो ऊपर में मेरा 2 भी कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 4 × 640 बच रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नीचे इस 100 को हम लोग हटा चुके हैं, 100 को एलसीएम लेकर के हटा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 है, 640 प्लस x, क्लियर है। अब मैं 2 से सब में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कोई भी इनइक्वालिटी का इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे बचेगा 2x + 640 बचेगा, 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे सिंपली बचेगा x प्लस, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका हो जाएगा ये आपका 2560 हो जाएगा, और लेस देन हमारा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3 बचने वाला है, तो 3 640 प्लस एक्स ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1280 लेस देन x प्लस 2560, और यहाँ से मेरा हो जाएगा आपका 1920 प्लस 3x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, x का देखना है कि वैल्यू का रेंज क्या आता है x का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आसानी से, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। चलिए, तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं ये दो पार्ट को लूँ, ठीक है, तो ये दो पार्ट को मैं अगर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम इस दो पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है, ये दो पार्ट को अगर हम इसको लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम x को एक तरफ लिखेंगे, तो x हो जाएगा मेरा लेस देन
2560 माइनस क्या हो जाएगा 1280, ठीक है, चूंकि x इधर आया तो माइनस हो गया, तो 2x में x माइनस हुआ तो x ही बचा, तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, x इज लेस देन माइनस कीजिए 0 1688, और यहां पे हमारा आएगा 1280, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब अगर मैं इधर का ले लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, इससे ये दो सेट ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंड इन दोनों को लेंगे तो हो जाएगा मेरा x प्लस 2560 इज लेस देन 1920 प्लस 3x, ठीक है जी। अब 1920 को उधर ले आइए तो हो जाएगा आपका 2560 माइनस 1920 लेस देन क्या हो जाएगा 3x माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, आपका यहाँ पे 6 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा ना, 4 0 और ये हम लोगों का हो रहा है 4, फिर यहाँ पे 15 माइनस 9 तो 6, तो 640 आ रहा है, लेस देन क्या आ जा रहा है 2x आ रहा है, यानी कि जो मेरा x है वो क्या है, वो ग्रेटर देन हो जाएगा मेरा 320, ठीक है जी, क्लियर है। तो x यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 320 हो जा रहा है, तो अभी दोनों को मिला दीजिए, तो फाइनली हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेंस क्या होगा, ये होगा कि मेरा x जो है वो क्या है 320 से ग्रेटर है और 1280 से क्या है स्मॉलर है, यानी हमको जो 2% का जो हमको चाहिए था ना बोरिक एसिड वाला, तो वो हम कितना ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे 320 लीटर और 1280 लीटर के बीच में, ठीक है, 320 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और कह सकते हो कि 1280 लीटर से कम होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह का देखो आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा क्या आ गया था, x आ गया था मेरा ग्रेटर देन 320 और यहाँ से ये वैल्यू आ गया, ठीक है, x का, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फाइनली क्या कि हेंस नंबर ऑफ लीटर्स शुड बी एडेड ग्रेटर देन 320 लीटर, ठीक है, एंड स्मॉलर देन 1280 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर कि हमको जो 2% वाला मिलाना था ना, तो वो हम कितना मिलाएंगे, हम 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 लीटर से कम मिलाएंगे, तो मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस आपको देखो इन इक्वेशन का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है, और बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, बस आपको क्वेश्चन देखना है और पुटअप करना, सोल्व कर देना है, और कुछ नहीं, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 13 नंबर है, इसको भी आप चाहो तो खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। क्या बोलता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कॉन्टेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ एसिड कंटेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये भी देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे, जो आपको रिक्वायर्ड उसको पहले आप एक्स मान लीजिए, तो आपको बोलता है कि कितना लीटर जो है हम लोग ऐड करेंगे 125 लीटर में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, कैसे सपोज करेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि लेट एक्स लीटर्स वाटर बी एडेड इन 1125 लीटर, इसी में मिलाना है ना, कितना मिलाना है, तो x मान लेते हैं हम लोग, x मिला रहे हैं, ठीक है, ऑफ दी 45% सॉल्यूशन, ठीक है, 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ये हम लोग सपोज कर लिए, जैसा मतलब कि क्वेश्चन में डिमांड था, बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सपोज कर लिए कितना लीटर हमको वाटर मिलाना है, तो x मिलाना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरा जो क्या बोल रहा था कि हमारा जो 45% है 1125 का, ठीक है, यानी कि ऐसे हम लिखेंगे 45% ऑफ 1125, ठीक है, ये जो है ये क्या होगा, ये किसके किसके बीच में आ जाएगा, 25% और 30% के बीच में आ जाएगा, तो ये आपका होगा ग्रेटर देन 25% ऑफ किसका 1125 प्लस x, ठीक है, तो 1125 जैसे पिछले बार किए थे ना, सेम वही स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और ये लेस देन होगा क्या 30% ऑफ 1125 प्लस x। अब बस कुछ करना नहीं है, ये बस इतना ही क्वेश्चन में दमखम था, बाकी तो बना ही लेंगे, ठीक है, कैसे करने वाले हैं देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 1125 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 होगा, परसेंटेज में बदल दीजिए, ठीक है, लेस देन यहाँ पे हो जाएगा 45 बाई 100 इंटू
एलेवन ट्वेंटी फाइव लेस देन यहाँ पे हो जाएगा 30 बाई 100 इंटू एलेवन ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स। ठीक है, अब हमको सिंपल यहाँ से क्या करना है जी, x का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। थोड़ा फास्ट बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, सब तरह आप हर जगह से 100 को पहले हटाइए, 100 को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 25 11 25 प्लस एक्स लेस देन 45 इंटू 11 25। ठीक है, और लेस देन 30 इंटू 11 25 प्लस एक्स। ये अब क्या किया है, तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि हम लोगों ने सारे ही टर्म में 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग इच बाई 100। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक पॉजिटिव वैल्यू है, जिसकी वजह से मेरा इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी भी हम लोग के पास में बहुत पावर है, जैसे हम लोग ना सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 11 25 प्लस एक्स। ठीक है, लेस देन यहाँ पे 9 बचेगा, 9 इंटू 11 25, और ये हो जाएगा लेस देन 6 11 25 प्लस एक्स। तो अब हम लोग क्या किए हैं, अब हम लोग ये किए हैं कि सबको डिवाइड किए हैं 5 से। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग ईच बाय 5। तो इस तरह से करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चूंकि 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सिंपली देखो यहाँ पे आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब बहुत बिंदास तरीके से ये सोल्व होगा, काफी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा जी, 5 जा 25, 5 टू जा 10 और 12, 5 वन जा 5 और 6, तो 16 25 आ गया, सॉरी यहाँ पे 5 वन जा 5 होगा ना, यस, तो ये हो गया आपका 5 6 2 5 हो गया प्लस 5x लेस देन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 22, 9 1 जा 9 11, 9 1 जा 9 और 10, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15 हो गया, 6 1 जा 6 7 और 6, तो ये प्लस 6x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग अगर इन दोनों को पहले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5x इज लेस देन 10 125 माइनस 5625। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा 5x इज लेस देन, हम लोग देखेंगे तो 550 220 1165 और यहाँ पे आपका हो गया 954। ठीक है, ये हो जा रहा है, तो ये 4500। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये देख रहे हैं कि मेरा x क्या आ जा रहा है, x मेरा लेस देन हो जा रहा है क्या 900 यहाँ से। ठीक है, एक चीज मिल गया। अच्छा, एंड अब अगर मैं इन दोनों पोर्शन को सोल्व करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 6x आ जाएगा ग्रेटर देन 10125 माइनस 6750, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 6x इज ग्रेटर देन 5 हो गया जी, 7 हो गया। ठीक है, 97 यहाँ पे यस, तो ये आपका 10 7 3 हो गया और आपका ये 963 हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ से x क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन आ जाएगा 3375 बाई 6, इसको आप कट कर सकते हो, तो यहाँ से आपका x ग्रेटर देन आ जाएगा 6 5 जा 30, फिर आपका 6 6 जा 36 और 156 15 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 6 2 जा 12 और 30 तो 6 5 जा 30, तो 562.5 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम मिला दें तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर क्या आ रहा है मेरा, कि जो x आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रेटर देन 562.5। ठीक है, और लेस देन 900 आ रहा है, तो यानी कि हमको जो मिलाना है वो हमको इतने लीटर से ज़्यादा मिलाना पड़ेगा वाटर और इतने लीटर से कम मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर वाटर एडेड इन द रेंज, इन द ऐसे स्पॉट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इन द रेंज 562.5 लीटर टू 900 लीटर। ठीक है, मतलब आपको कम से कम इतना डालना पड़ेगा, इससे ज़्यादा डालना पड़ेगा और इससे कम डालना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपली इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर देखो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फिर क्वेश्चन आपका है ना कि बोलता है कि किसी भी पर्सन का IQ निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या होता है, MA by CA into 100, MA क्या होता है, मेंटल एज होता है, और CA क्या होता है, ये आपका क्रोनोलॉजिकल एज होता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एज जो उसका अपना एज होता है लगभग वही होता है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, और IQ का रेंज आपको दे दिया है, तो बोलता है कि 12 ईयर्स के बच्चे के लिए मेंटल एज का रेंज क्या होगा, तो कुछ बहुत सिंपल है, इसको बनाना कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो आपको गिवन, ये गिवन है, क्या है,
कि जो मेरा आई क्यू है वो क्या है, वो 80 से लेकर के 140 तक है, ठीक है जी। ये है आपका आई क्यू, आई क्यू का फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 से लेकर के एम ए बाई सी ए इंटू 100, और ये हमारा क्या तक है, 140 तक है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ना अभी हम एक जीरो हटा देते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाए, चलो एक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 80 हो गया, एम ए हमको दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी एम ए हमको निकालना है, मेंटल एज का हमको रेंज निकालना है, और हमको सी ए दिया हुआ है, यानी हमको क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है, और वो क्या है, वो है 12 ईयर। तो आप सिंपली इसको कर दीजिएगा एम ए बाई 12 इंटू 100, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 140, ठीक है जी। अब देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मोहब्बत से क्वेश्चन आपका बन रहा है, कुछ नहीं करना, आप सब जगह जीरो हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 8, ठीक है, एम ए बाई 12 इंटू 10 इन लेस देन इक्वल टू 14। अभी भी बहुत कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, हम सब में 2 को सब में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या एक ही बार अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे सब में तो क्या बचेगा, 20 से कर दो सब में, तो ऐसे आपका और छोटा हो जाएगा, ये 4 बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमको 20 से डिवाइड करने पर डायरेक्ट 5 बचेगा, और यहाँ पे हमको 20 से डिवाइड करने पर डायरेक्ट हमको 7 बचेगा, ठीक है 7। तो हम लोगों ने क्या किया था, आप लिख सकते हो कि डिवाइडिंग ईच, सबको हम लोगों ने डिवाइड किया है किससे, बाई 20 से, और 20 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए कोई भी इन इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 20 से किए तो 4 आ गया, यहाँ पे 20 से डिवाइड किए तो 5 आ गया, और यहाँ से 20 पे डिवाइड किए तो 7 आ गया, तो वो आपका यहाँ पे सिंपल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि 12 को क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू एम ए, और लेस देन इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा 84, ठीक है। तो अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एम ए निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 48 बाई 5 लेस देन इक्वल टू एम ए, और लेस देन इक्वल टू 84 बाई 5। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या किया हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है, डिवाइडिंग ईच बाई 5, 5 से डिवाइड किए तो चूंकि 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और आपका आसानी के साथ में अब एम ए जो है हमारा फाइनली निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा जी, 59 जा 45 और 56 जा 30, तो ये हो गया लेस देन एम ए इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 16 जा 80 होता है तो 60, और 58 जा 40 तो 16.8। तो जो मेरा एम ए आ रहा है, यानी जो मेरा मेंटल एज आ रहा है, उसका रेंज क्या है, उसका रेंज है 9.6 से 6.8। तो आप कह सकते हो कि जो मेंटल एज का जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो 9.6 से लेकर के 16.8 तक होगा, तो यही पूछ रहा था, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में ये आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल है, और ये जो है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर कॉम्पिटिशन में आता रहता है आई क्यू एम ए और सी ए के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। कभी आपको आई क्यू दिया रहेगा, मेंटल एज दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा कि इसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे प्रैक्टिस है। तो देखो इन इक्वेशन का यूज से आप इस तरह का रेंज वाला क्वेश्चन काफी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ था, आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है, इसको आप रिविजन करते रहिएगा, और डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन जब भी अब आगे आएगा तो आप आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। 1-to-1 में सारा एनसीईआरटी का कंटेंट करा रहा हूँ, 0 से हीरो का मेरा मॉडल है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से अच्छे से सीखते आएंगे, 1 by 1 सारा लेक्चर देते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, और आगे के मैथ्स आगे के कॉम्पिटिशन्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।